आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी टू इंग्लिश ना बता के हमने बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश टू इंग्लिश। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश टू इंग्लिश कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप पहचान नहीं पाते हो ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो अभी जो डिस्कशन हो रहा है हम लोगों का केवल पहचान पे हो रहा है कि इंग्लिश में वाक्य लिखा हुआ है तो हम पहचान सकें ये सेंटेंस इस टेंस का अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या अफर्मेटिव निगेटिव इंटेरोगेटिव एक्टिव है। केवल पहचानों पे डिस्कस हो रहा था। कल पहचान हमने बताई थी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, आज आप डालेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लिखिए चैप्टर का नाम डालिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में कहोगे तो वर्तमान अपूर्ण काल, भाई हिंदी अर्थ हो जाता है वर्तमान वर्तमान समय में, अपूर्ण अपूर्ण है, प्रेजेंट मीन वर्तमान, टेंस मीन काल, वर्तमान काल या वर्तमान समय, और वर्तमान समय में कार्य क्या हो, अपूर्ण हो, अपूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस से भी पढ़ने में समझ में आ रहा है कि अपूर्ण है कार्य, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मीन कॉन्टिन्यू, जब कॉन्टिन्यू चल रहा है लगातार तो इसका मतलब पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण है। समझ में आ गया बेटा? तो कल मैंने शायद सेंटेंस लिखाया था, सेम ले रहा हूं सेंटेंस। सेंटेंस था ही टीचेस मी इंग्लिश, ही टीचेस मी इंग्लिश था ना बेटा, तो ही टीचेस मी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव था। अब ही टीचेस मी इंग्लिश को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए भाग, तो ए भाग लिखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ही टीचेज मी इंग्लिश जो सेंटेंस था आपका उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में आप बदलेंगे तो लिखेंगे ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। बेटा केवल हमारा बताने का मतलब आपको यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किसी ने दे दिया और आपसे कहा गया कि बेटा इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में बदलो, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के जो रूल हैं वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, किसका प्रयोग होता है, इज एम आर का, किसका प्रयोग होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज, सब्जेक्ट आई है तो एम, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग होगा, है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो टीच है, टी ई ए सी एच, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई एन जी जुड़ जाएगा। अच्छी बात यह है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा टप था क्योंकि अफर्मेटिव के रूल अलग थे और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेम थे, डूडज यूज हो रहा था, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी अपवाद था, जैसे नेवर के साथ देखा आपने, हु के साथ देखा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अफर्मेटिव में भी इज एम आर का प्रयोग, नेगेटिव में भी, और इंटरोगेटिव में भी इज एम आर का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। दूसरा वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का मैंने बोला था आपको, दे मी इंग्लिश, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, यहां आर, आर
यहां पर समझाने का मतलब मेरा कुछ और नहीं है आपको, ठीक है। ग्रामर आपकी कल के बाद शुरू होगी, आनंद तो तब आएगा। अभी ये जनरली चीजें हैं, जनरली क्या है, जैसे आपको किसी ने दे दिया, बताया ही नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या किस टेंस का सेंटेंस है, ये लिख दिया ही टीचेज मी इंग्लिश और बोल दिया बेटा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको आ ही नहीं रहा है ना, वो पहचानने में आ रहा है ये किस टेंस का है। तो पहचान सीखनी है आपको, एक टेंस, एक सेंटेंस के टेंस को दूसरे टेंस के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ओके। और ये तब पॉसिबल है जब पहचान पता हो आपको। दूसरा ये है कहना चाहिए, जैसे अब ये है आपका दे आर टीचिंग मी इंग्लिश, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे और मी को बाद में लिखेंगे, तो मी से पहले टू या फॉर लिखोगे, ओके। ये रूल तो सभी टेंसों में रहेगा। दूसरा बी भाग लिख लो इसका, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव क्या बनेगा, ही इज नॉट, नॉट, ही इज नॉट क्या होगा बेटा, टीचिंग मी इंग्लिश, दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, आर नॉट टीचिंग मी इंग्लिश, तो बना लेंगे सेम, है ना बेटा। देखो फिर हम बोल रहे हैं आपसे, हम आपसे कहें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला बताओ, तो आपको फार्मूला भी बताना है ना, तो आप बताओगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मतलब तीनों में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, केवल प्लस ऑब्जेक्ट बोलोगे, ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, समझ में आ गया बेटा। अब हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का फार्मूला बताओ, तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इस तरह से बोलोगे। हम कहें लिख के दिखाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव का फार्मूला, तो आप लिख के दिखाओगे बोले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिख के दिखाओगे, समझ में आ गया। तो फार्मूला लिख के लिखना भी आना चाहिए और मौखिक सुन रहे हैं तो मौखिक भी आना चाहिए। अब डालिए सी भाग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, भैया बात नहीं करेंगे, बेटा मेरे, बच्चों मेरे, बात नहीं। अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है आपको, पहला सेंटेंस है आपका ही इज है, पहला सेंटेंस क्या है आपका, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश है आपका, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, तो क्या करना है आपको, जो इज है ऑक्सिलरी वर्ब ही की जगह हो जाएगा और ही इज की जगह हो जाएगा, तो इज ही टीचिंग मी इंग्लिश और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क चिन्ह लिखेंगे लगाएंगे, ठीक है। तो लिखो इज ही टीचिंग मी इंग्लिश,
क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता तो वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता, व्हाई इज ही टीचिंग मी, समझ में आ रहा है। यदि निगेटिव होता तो ही के बाद नॉट आ जाता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझ चुके हैं आप। देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपसे, हर बात पे ध्यान दो जो हम बोल रहे हैं आपसे, है ना। जैसे हमने आपसे कहा सेंटेंस है ही टीचिज मी इंग्लिश, हमने दे दिया और हमने कहा बेटा इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलिए जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है व्हाय, क्यों, तो आप बदलिए। इसे कैसे बदलोगे, तो पहले तो आप ये पहचाने जो सेंटेंस है ही टीचिज मी इंग्लिश, ये कैसा सेंटेंस है, किस टेंस का है। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम पूछ रहे हैं तो उसका रूल पता हो आपको कि ईजेएमआर का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव, समझ में आ रहा है बेटा। तो क्लियर हो गया अब ये, और बताना है इसके बारे में, ठीक है। अब आप डालेंगे क्या, बोलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पूर्ति अपने आप करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मीन वर्तमान, टेंस मीन काल, वर्तमान काल में परफेक्ट माने परफेक्ट हो, पूर्ण हो, जो कार्य है वो पूर्ण हो। सेंटेंस आपका सेम है, सेम क्या है सेंटेंस, सेंटेंस सेम है ही टीचेज मी इंग्लिश, तो ही टीचेज मी इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ए भाग डालो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बनाएंगे आप ही हैज, थर्ड फॉर्म टॉट, ही हैज टॉट मी इंग्लिश, बेटा सेंटेंस हमने आपको यह दे दिया ही टीचेज मी इंग्लिश, और हमने कहा इस सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव बना दीजिए, अफर्मेटिव एक्टिव। तो आप कैसे बनाएंगे, ही हैज टॉट मी इंग्लिश, कब बना पाओगे, तो आपको अब इसका रूल याद होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिटी टफ था, अब तो सब सरल है, नहीं आ रही बात समझ में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है ही टीचेज मी इंग्लिश, और उसका आपको बनाना है प्रेजेंट, उसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में। तो अफर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बताओ, और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। ओके, दूसरा वाक्य था आपका ही, बोलो सॉरी दे, दे हैव टॉट इंग्लिश फॉर मी, ये लिखते रहा करो ताकि याद रहे, कभी इस तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, कभी टू लिखा तो कभी फॉर लिखा, समझ में आ गया बेटा। अच्छा इसका अब निगेटिव लिख बनाओगे तो निगेटिव नहीं बनाना है, बताना है मुझे, खुद बना लोगे आप, ही हैज नॉट हो जाएगा, दे हैव नॉट हो जाएगा। इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज ही, और इंटरोगेटिव निगेटिव हैज ही नॉट, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो व्हाई हैज ही नॉट। ओके, अब आप डालेंगे क्या, बोलो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कुछ कार्य इसमें परफेक्ट होता है, पूरा हो चुका होता है, कुछ कार्य करने के लिए शेष होता है, मतलब कार्य चल रहा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन कंटिन्यू, लगातार। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ए भाग डालेंगे, ए क्या होगा बोलो ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस आपका सेम है, ही टीचेज मी इंग्लिश को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे याद रखेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी सीखा है आपने, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज होता है, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ही यूज होती है। सेम मतलब परफेक्ट सीखा, उससे परफेक्ट कंटिन्यूस याद रहा। नहीं आई बात समझ में भाई? अभी हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैज हैव का ही प्रयोग होता है। बस इतना याद रखना हैज हैव के बाद बीन और याद रखना है आपको क्या, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ यूज हो रही थी वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी याद रखना है, एक दूसरे से याद रखो। समझ में आ गया बेटा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, सभी में हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बनाएंगे सेंटेंस, ही सिंगुलर नंबर है तो ही, हैज बीन, हैज बीन और टीचिंग, टीचिंग टीचिंग मी इंग्लिश। फिर समय और आता है बेटा इस वाक्य में, समय का प्रयोग और होता है लास्ट में। नहीं आ रहा है समझ में? हैज बीन, हैव बीन समझ में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जो भी हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम है, लास्ट में समय और लिखते हैं। और समय दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अब आप निश्चित समय सीखोगे और अनिश्चित, निश्चित समय सीखोगे और अनिश्चित समय सीखोगे, है ना? निश्चित समय है तो निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग होता है। नहीं आ रहा है समझ में? तो निश्चित समय मान लो 2 बजे से, है ना? तो ही हैज बीन टीचिंग, वह पढ़ा रहे हैं मी मुझे इंग्लिश, वह 2 बजे से मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो सिंस 2 o'clock, सिंस TWO 2 o'clock, CLOCK, सिंस 2 o'clock, तो कहना चाहिए बेटा ये पार्ट और जुड़ जाएगा समय का इसमें। और समय निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, ये 2 o'clock निश्चित समय है, और निश्चित समय से पहले क्या आया है? सिंस। निश्चित समय से पहले क्या किसका प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन?
सिंस का, और अनिश्चित समय होता है तो अनिश्चित समय से पहले प्रीपोजिशन फॉर आती है, एफ ओ आर फॉर। और सिंस और फॉर में बड़े अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं, शायद मैं एक बार बता चुका हूँ आपको ये, क्यों भाई फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो इसको। सिंस और फॉर, सिंस कहाँ लिखें, फॉर कहाँ लिखें, ये जो आपने रट लिया किताबों का कि निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर, आप गैस ही नहीं लगा पाते हो कौन सा समय निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है, तो ये भ्रम खत्म कर रहे हैं आपका यहाँ पर, सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा। पहले हम बता रहे हैं आपको फॉर, फॉर कहाँ आएगा, जब फॉर किससे पहले आता है, अनिश्चित समय से पहले आता है, फॉर किससे पहले आता है, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय पहले सीखो, अनिश्चित समय कौन सा होता है ना। अब बिल्कुल समय की सबसे छोटी इकाई जनरली, समय की जनरली सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, जो हम समय बताते हैं वो सेकंडों में ही तो बताते हैं कि इतने सेकंड हो गए, इतने मिनट हो गए, तो बेटा सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई है देखा जाए तो, सामान्यतः सेकंड है, और सेकंड से बड़ा क्या कौन होता है, मिनट, क्यों भाई मिनट होता है, क्यों भाई समय से बड़ा कौन है, मिनट, और मिनट से बड़ा घंटा आवर, क्यों भाई, और घंटे से, देखो सेकंड सबसे छोटा समय में सेकंड, और सेकंड से मिलकर कौन बनते हैं, मिनट, और मिनट से मिलकर क्या बनता है, घंटे, और घंटे से मिलकर क्या बनता है, दिन। भाई हैं, सुनो, सेकंड सेकंड से मिलकर मिनट बने, और मिनट से मिलकर घंटे, भाई 60 मिनट में एक घंटा होता है, या यूं कहिए सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, और घंटा के बाद आएगा डे दिन, 24 घंटे में एक दिन होता है, तो डे, और फिर डे से क्या बना, वीक, वीक सप्ताह, क्या बना, वीक सप्ताह है ना, और वीक से आगे मंथ, वीक से मिलकर क्या बना, मंथ, यहां एम मीन मिनट है, और यहां एम मीन मंथ है, एम ओ एन टी एच मंथ, और मंथ से क्या बना, ईयर, वर्ष, ईयर, और ईयर से क्या बना, वर्ष से, वर्ष से मिलकर क्या बनता है, डिसेंचुरी, दशावधि, दशावधि, दशावधि मीन डिसेंचुरी, 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 डी ई सी ई एन टी यू ए आर वाई, डिसेंचुरी, और डिसेंचुरी से मिलकर क्या बना, सेंचुरी, सेंचुरी मीन शताब्दी, जो एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है, सेंचुरी, सी ई एन टी यू ए आर वाई, सेंचुरी, और सेंचुरी से युग बना, है ना। फिलहाल ध्यान दो बच्चों मेरे, ये अनिश्चित समय लिखवाया है मैंने आपको, ये अनिश्चित समय है, नहीं आई बात समझ में, फिर ध्यान दो, कहीं से कहीं लिखा है सेकंड, सेकंड लिखा हुआ है, और सेकंड से पहले चाहे संख्या कुछ भी सही, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड, 100 सेकंड, 60 सेकंड, या 5 सेकंड, सेकंड से पहले नंबर चाहे कुछ भी हो, जैसे 1 सेकंड है तो उससे पहले प्रीपोजिशन फार आएगी, है ना। अब सेकंड से बड़ा होता है मिनट, है ना, जैसे मिनट से पहले संख्या कुछ भी हो, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, संख्या चाहे कुछ भी हो, चाहे 100 मिनट, तो उससे पहले भी फॉर आएगा। अब मिनट, मिनट से बड़ा क्या है, घंटा, घंटा को आवर कहते हैं, और आवर से पहले कुछ भी हो, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर,
है ना, तो इससे पहले क्या यूज होगा? फॉर। अब डे, डे मीन दिन, डे से पहले कुछ भी हो संख्या, जैसे वन डे एक दिन, टू डेज दो दिन, थ्री डेज फोर डेज फाइव डेज 30 डेज, है ना। और डेज से मिलकर बना वीक, सप्ताह, वीक से पहले वन वीक टू वीक थ्री वीक, कुछ भी हो संख्या, है ना। मंथ, और वीक से मिल, वीक से बड़ा क्या हुआ, वीक से मिलकर बना मंथ, मंथ से पहले वन मंथ थ्री मंथ फोर मंथ सिक्स मंथ फाइव मंथ, कुछ भी हो उससे पहले क्या यूज होगा, फॉर। अब मंथ से मिलकर बना ईयर, भाई 12 मंथ से ईयर बनता है। अब वन ईयर फोर ईयर फाइव ईयर सिक्स ईयर टेन ईयर, है ना, तो क्या आएगा उस 10 ईयर से पहले, फोर ईयर से पहले, फॉर। अब ईयर से मिलकर सेंचुरी, एक डिसेंचुरी 10 साल की होती है, 10 वर्ष की, जैसे वन डिसेंचुरी टू डिसेंचुरी थ्री डिसेंचुरी फाइव डिसेंचुरी, उससे पहले भी फॉर, और डिसेंचुरी से बाद सेंचुरी, डिसेंचुरी से बड़ी सेंचुरी, तो सेंचुरी से पहले भी, जैसे वन सेंचुरी एक शताब्दी 100 वर्ष की होती है, जैसे दो शताब्दी है तो टू सेंचुरी, तीन शताब्दी तो थ्री सेंचुरी, है ना बेटा, तो इनसे पहले आएगा क्या, फॉर। ये बताया था हमने अनिश्चित समय, ये अनिश्चित समय है, अभी क्लियर कर देंगे ये अनिश्चित समय क्यों है, ये भी समझ में आ जाएगा आपकी। अब ये सीरीज आप यहां से याद रखोगे, बोले अरे सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, और मिनट से बड़ा घंटा, आवर, आवर्स के बाद डे, और डेज के बाद वीक, वीक से फिर मंथ, मंथ से ईयर, ईयर से डिसेंचुरी, डिसेंचुरी से सेंचुरी, ये वर्ड हमें कहीं भी मिल जाएं, और इनसे पहले चाहे नंबर कुछ भी हो, वन टू थ्री फोर हंड्रेड, तो इनसे पहले फॉर ही यूज होगा, प्रीपोजिशन किसका यूज होगा, फॉर, और इसको कहते हैं अनिश्चित समय। ओके, अब देखो फॉर की जगह सिंस कब आएगा, सेकंड है मिनट है, सेकंड मिनट आवर ना हो, सेकंड मिनट आवर ना हो, सेकंड मिनट आवर ना हो के सेकंड मिनट आवर की जगह ये हो कि 2 बजे से काम कर रहा है वो, 3 बजे से काम कर रहा है, 1 बजे से काम कर रहा है, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 12 o'clock, समझ में आ रहा है, 12 बजे से काम कर रहा है, तो ये निश्चित समय हो गया, मतलब सेकंड मिनट आवर शब्द ना आके o'clock आए, उससे पहले चाहे संख्या कुछ भी हो, चाहे 1 o'clock हो चाहे 5 o'clock हो, सिंस आएगा, तो ये बताया मैंने सेकंड मिनट आवर की जगह ओ क्लॉक हो। अब बेटा डे ना हो, शब्द डे लिखा हुआ, वन डे या थ्री डेज, थ्री डेज से वो वर्क कर रहा है, थ्री डेज ना हो, डे का नाम हो, और डे होते हैं 7, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, है ना, ये इनमें से कोई एक नाम हो, जैसे मंडे हो, शब्द मंडे लिखा है, डे नहीं है शब्द, मंडे है, तो मंडे शब्द निश्चित हो गया, मंडे शब्द निश्चित हो गया, तो मंडे से पहले सिंस आएगा, ओ क्लॉक से पहले सिंस, मंडे दिनों के नाम से, दिन नहीं है, दिनों का नाम है, उससे पहले सिंस। अब आपका वीक से तो मतलब ही नहीं है, मंथ, मंथ नहीं है, ये डे और वीक में आ गया आपका दिन, अब आपका मंथ नहीं है, मंथ का नाम है जो 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना, तो मंथ का नाम है, जनवरी हो चाहे सितंबर हो, तो सितंबर निश्चित है ना, तो उससे पहले सिंस आएगा, है ना। अब ईयर ना हो, ईयर का नाम हो कि सन 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 है, तो उससे पहले फार नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंस, मतलब वर्ष नहीं है कि 40 वर्ष पहले देश आजाद हुआ, 40 ईयर्स या 50 ईयर्स, समझ में आ रहा है बेटा, बल्कि उस सन का नाम है, इसलिए उससे पहले सिंस आएगा, निश्चित समय से पहले। नेक्स्ट, समझ में आ गया बेटा, ये दूसरा सिंस कहाँ आता है, सिंस आता है आपका मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग से पहले
सिंस, ओके। तो बेटा सिंस और फॉर इस चैप्टर में सिंस और फॉर भी क्लियर हो गया आपका, कहाँ सिंस प्रीपोजिशन, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और प्रीपोजिशन समय के रूप में, समय के लिए, जब समय के लिए यूज होते हैं सिंस फॉर, तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, या निश्चित समय क्या है और या अनिश्चित समय क्या है, क्लियर। अच्छा अब इसका निगेटिव आप खुद बना लेंगे, ही हैज नॉट हो जाएगा, इंटरोगेटिव भी खुद बना लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज ही की जगह और ही हैज की जगह, हैज ही बीन आपका टीचिंग से पहले ही रहेगा, और इसका इंटरोगेटिव बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा नॉट, क्लियर हो गया, या बताएं इसको और आगे। अब लिखेंगे अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आपकी ये वीडियो भी बन रही है तो जो लोग देखेंगे वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसमें देखा जाए तो, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस भैया, ही टीचेज मी इंग्लिश, अब ही टीचेज मी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ए भाग, कैसे बनाओगे बताओ शोभित, आप बोलो शोभित खड़े होके बोलो, ही टीचेज मी इंग्लिश को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो, ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी दोनों के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, है ना। तो जो आपका सेंटेंस है ही टीचेज मी इंग्लिश, इसको अपने आप कन्वर्ट करके लाओगे पास्ट इंडेफिनिट में तीनों भाग, फिर पास्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, सेंटेंस सेम है ही टीचेज मी इंग्लिश, इसी को कन्वर्ट करोगे, और कल से मैं ग्रामर बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा, आज इतना ही।